सिर्फ दो प्रोडक्ट का यूज करके ये आई लुक क्रिएट करा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ रक्षाबंधन मेकअप लुक। और मैंने रक्षाबंधन के लिए ये वाला लुक क्रिएट करा है। आई होप आप सबको पसंद आ रहा होगा। सो अगर आपको ये लुक पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने सिर्फ दो प्रोडक्ट का यूज करके ये आई लुक क्रिएट करा है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आपके पास अगर ये वाला प्रोडक्ट नहीं है तो आप ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, और ये नहीं है तो दूसरा कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। सो या आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मैंने बहुत ही ईजी से ईजी वे में बताने की कोशिश करी है, आप लोगों को पसंद आएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और आपको ये लुक अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। उसके साइड में जो बेल आइकन होगा उसे भी हिट कर देना, ताकि आपसे कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो एंड आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखें। और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो उसके लिए थैंक यू। एंड आपको सारे प्रोडक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड आप मुझे मेरे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सो वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो मैं आपको फुल डिटेल में बताने वाली हूँ कि आपको कैसे कैसे मेकअप करना है। सो सबसे पहले हम अपने फेस को करेंगे मॉइस्चराइज, और मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है। अगर आपके पास ये तीनों चीज हैं तो ये आप यूज कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर। सो सबसे पहले है मामा अर्थ का ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, इसे ऑयल स्किन टाइप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जॉय की फ्रूट क्रीम, और ये 10 रुपीज की आती है। सो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, ऑयली एंड ड्राई स्किन वाले दोनों। नेक्स्ट, अगर आपके पास दोनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, बहुत अच्छे से आपका फाउंडेशन ग्लाइड होता है आपके फेस पे अगर आप इसे लगाते हैं तो। मैं ज्यादातर इसे यूज करती हूँ अगर मेरा मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है तो। सो मैं आज कोकोनट ऑयल यूज करके दिखाऊंगी आपको। तो मैं मॉइस्चराइजर के लिए कोकोनट ऑयल यूज करूंगी। सो मैं इसकी 1 से 2 ड्रॉप लूंगी अपने हैंड पे, देन अपने हैंड्स को अच्छे से रब करूंगी, देन अपने पूरे फेस पे अच्छे से डैबिंग मोशन पे लगाऊंगी। सेम ऐसे ही आपको भी लगाना है। कोकोनट ऑयल लगाने के बाद आपको प्राइमर लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है आपके फेस को। मैं बस ये जरूर बोलूंगी कि ऑयली स्किन वाले ना यूज करें कोकोनट ऑयल, आप चाहे तो फ्रूट क्रीम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अपने प्राइमर पे, एंड मेरे पे यहाँ पे दो ऑप्शन है, दोनों बहुत अफोर्डेबल है। फर्स्ट है NYBE का प्राइमर, ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है एंड बहुत अच्छे से स्मूथ कर देता है आपके फेस को, अगर आप इसे यूज करते हैं तो आपको पता होगा। नेक्स्ट मेरे पास है एलोवेरा जेल, एंड ये तो हर किसी के पास ही होगा, सो मैंने इसीलिए ये वाला ऑप्शन रखा है। वैसे अगर आपने कोकोनट ऑयल यूज करा है तो आपको प्राइमर लगाने की इतनी जरूरत नहीं है, बट मैं आपको तब भी दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूंगी, देन इसे भी रब करूंगी अच्छे से अपने हैंड पे, देन अपने फेस पे लगाऊ। आपको भी ऐसे लगाना है, इससे सारा प्रोडक्ट अच्छे से आपके पूरे फेस पे लगता है। सो आप कुछ भी लगाते हैं जैसे मॉइस्चराइजर, प्राइमर, कुछ भी लगाते हैं तो आप 5 मिनट का गैप जरूर देना ये मॉइस्चराइजर और अपने प्राइमर के बीच में और फाउंडेशन लगाने से पहले, ताकि जो भी आपने लगाया है वो अच्छे से आपके फेस पे सेट हो जाए। सो मैं भी यहाँ पे 5 मिनट रहने दूंगी अपने एलोवेरा जेल को। सो ये बिगनर मेकअप लुक है तो मैं इसलिए आज यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, बट अगर आपको ज़्यादा कवरेज चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हैं फिटमी का फाउंडेशन, वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन और ब्लू हेवन, एंड बहुत सारे फाउंडेशन है, आप कोई सा भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, लैक्मे भी है। सो या बट मैं आज यूज़ करूँगी पॉन्ड्स की बीबी क्रीम, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी खासी कवरेज प्रोवाइड कर देती है। सो मैं इसे अपने हैंड पे लूँगी, देन मैं इसे रब करूँगी अपने दोनों हैंड पे, देन मैं इसे अपने फेस पे लगाऊँगी, अपने फोरहेड, चिन, नोज़, अपनी आईलेट पे, सब जगह लगा दूँगी क्रीम को, देन अपने हैंड्स की हेल्प से ही अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि अगर आप अपने हैंड की हेल्प से ब्लेंड करेंगे बीबी क्रीम को तो आपको बहुत अच्छी कवरेज मिलती है। एंड पॉन्ड्स की क्रीम तो बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी
अच्छी कवरेज प्रोवाइड भी करती है। सो मैं इसे अपने हैंड्स की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी और आप देख ही सकते हैं ये इसने मुझे अच्छी खासी कवरेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी लुक नहीं चाहती थी, लाइट ही चाहती थी। सो इसलिए मुझे जितनी कवरेज चाहिए थी उतनी कवरेज इसने प्रोवाइड कर दी है। आप इसे बिल्ड भी कर सकते हैं दोबारा लगा के। सो मैं यहाँ पे कोई भी कंसीलर नहीं यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसी क्रीम को एज अ कंसीलर लगाऊंगी। सो मैं थोड़ी सी और क्रीम लेके अपनी अंडर आइज, आईलेड, फोरहेड, ब्रिज ऑफ द नोज, चिन और जहाँ पे मेरे थोड़े से पिंपल वगैरह हैं वहाँ पे इस क्रीम को लगा लूँगी अपनी फिंगर की हेल्प से। देन डैबिंग मोशन में इसे ब्लेंड करूँगी धीरे धीरे। आप देख ही सकते हैं बस डैबिंग मोशन में ही करना है ताकि आपको कवरेज भी मिले और ये अच्छे से ब्लेंड भी हो जाए। सो आप देख ही सकते हैं मेरे फेस की एक साइड पे बहुत अच्छी कवरेज मिली है एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो गया है मेरा बेस। सो या ऐसे ही मैं अपने फेस के दूसरे साइड पे भी कर लूंगी। सो हमारा बेस हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है अपने बेस को सेट करना। बट अगर आप कोई भी क्रीम ब्लश लगा रहे हैं तो आप अपने फेस को सेट मत करना जब तक आप सारे क्रीम प्रोडक्ट यूज ना कर ले। सो आज मैं क्रीम ब्लश लगाऊंगी और ये बिगनर्स मेकअप है, बहुत ही इजी मेकअप आपको बताना है। सो अगर आपके पास कोई भी ब्लश नहीं है तो आप कोई सा भी आई शेडो पैलेट ले सकते हैं। आई थिंक ये मास्क का पैलेट सब पे होगा, मतलब सब पे तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा लोगों पे होता ही है, जो बिगनर्स होते हैं उन पे तो होते ही हैं ये वाले पैलेट। सो अगर आपके पास ये वाला पैलेट है तो आप इसमें से कोई सा भी कलर यूज कर सकते हैं। पिंक है इसमें, ऑरेंज है एंड ब्राउन में आपको मिल जाएंगे कलर। सो अगर आपके पास ये पैलेट नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं कोई भी लिपस्टिक एज अ ब्लश, बहुत अच्छा हैक है ये। तो मैं आज ब्लश के लिए यूज कर रही हूँ लिपस्टिक। आप कोई सी भी लिपस्टिक यूज कर सकते हैं एज अ ब्लश। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ NYBAE की बुलेट लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड नंबर 02 है। बहुत ही प्यारा न्यूड पिंक कलर है एंड बहुत ही प्यारा लगता है। सो इसे मैं एज अ ब्लश यूज कर रही हूँ आज। आप चाहे तो आपके पास जो भी लिपस्टिक है आप यूज कर सकते हैं। सो मैं इसे लगा लूंगी अपने चिक्स पे एंड देन मैं अपनी फिंगर के हेल्प से ही अपने ब्लश को ब्लेंड करूंगी बिल्कुल डैबिंग मोशन में, जैसे हम ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं सेम वैसे ही। सो मैंने यहाँ पे कोई भी ब्रश यूज नहीं करे हैं, मतलब करे हैं बट इतने ब्रश यूज नहीं करे हैं कि आपको प्रॉब्लम हो। मैंने बहुत ही सिंपल वे में अपने हैंड्स की हेल्प से ही ज्यादातर चीजें आपको बता रही हूँ। सो आई थिंक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो या ये मैंने लगा लिया है और मैं आज कोई भी ब्रॉन्जिंग या कॉन्टोर नहीं करने वाली, अपने फेस को बहुत ही नेचुरल मेकअप रखने वाली हूँ। आप चाहे तो कर सकते हैं, मैंने आपको पैलेट दिखाया उसमें आपको ब्राउन शेड भी मिल जाएंगे एज अ ब्रॉन्जर और आप लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं अपने फेस को कॉन्टोर करने के लिए ब्राउन कलर की लिपस्टिक। सो अब हमारा सारा क्रीम प्रोडक्ट लग गया है जितना मुझे लगाना था, तो अब मैं करूंगी अपने फेस को सेट। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पॉन्ड्स का फेस पाउडर। आप चाहे तो कॉम्पैक्ट यूज कर सकते हैं, लूज पाउडर यूज कर सकते हैं या फिर ये पॉन्ड्स का पाउडर यूज कर सकते हैं। आपके पास जो हो आप वो यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप ये यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सो इसे मैं थोड़ा सा अपने हैंड पे लूंगी एंड देन एक पाउडर ब्रश की हेल्प से इससे अपनी अंडर आईज, आईलेट और जहां जहां मैंने कंसीलर लगाया है वहां पे पहले मैं सेट करूंगी। देन मैं अब जो भी एक्सेस है उसे रिमूव करके हल्का सा अपने पूरे फेस को सेट करूंगी। ज्यादा नहीं करना वरना जो हमने ब्लश लगाया है वो भी हट जाएगा, तो ज्यादा नहीं करना है, बहुत ही लाइट हैंड से करना है राउंडिंग मोशन में। सो हमारा फेस भी हो गया सेट। नेक्स्ट हमारा बेस मेकअप ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो अब हम करेंगे अपना आई मेकअप। सो आई मेकअप तो बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, बस दो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको चाहिए होंगे बस दो प्रोडक्ट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का आई लाइनर। सो मैं इसकी हेल्प से एक विंग आई लाइनर ड्रॉ कर लूंगी, सेम ऐसे ही आपको भी कर लेना है, बहुत ही सिंपल सा। आपको जैसा लगाना आता है आप वैसे लगा लेना, बहुत ही सिंपल विंग आईलाइनर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। सो मैंने अपनी दोनों आईज पे आईलाइनर लगा लिया है और आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये भी। सो नेक्स्ट जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वो है एक ग्लिटर आई शेडो। सो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लू हेवन का ग्लिटर आई शेडो, बहुत ही अफोर्डेबल है और ये बिल्कुल स्विस ब्यूटी के कॉपी है, आपको पैकेजिंग से भी पता लग ही रहा होगा। सो अगर आपके पास ये लिक्विड आईलाइनर या आई शेडो नहीं है तो आप क्या यूज कर सकते हैं जिनसे आपको ऐसा आई लुक मिल सके, तो मैं आपको एक ऑप्शन दे रही हूँ। आप कोई सा भी आई शेडो पैलेट ले लीजिए,
कोई सा भी हो, बट अगर आपके पास ये मास्क का है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और ज़्यादातर लोगों पे होगा ही। सो मैं ये मास्क का पैलेट आपको बता रही हूँ एज ऑप्शन। अगर आपके पास मास्क का पैलेट नहीं है, ग्लिटर आईलाइनर है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ग्लिटर आईलाइनर या मास्क का पैलेट भी नहीं है तो आप कोई सा भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इस पैलेट में से ये जो सिल्वर शेड है इसे लेके अपने आईलाइनर के ऊपर एक और आईलाइनर ड्रॉ करूंगी, सेम अपने आईलाइनर जैसा, एक आईलाइनर ब्रश की हेल्प से, सेम ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको। बस हल्के हल्के आपको लगाना है अपने आईलाइनर के ऊपर, आप देख ही सकते हो। सो ये मैंने लगा लिया है और आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, ग्लिटर जैसा नहीं इफेक्ट मिल रहा, बट कुछ तो है। अगर हम पे ग्लिटर्स नहीं है तो हम कुछ तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिफरेंट। तो यार बहुत प्यारा लग रहा है, ये भी आप देख ही सकते हैं, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। सो एक साइड मैंने आपको आई शेडो से, अब मैं आपको अपनी दूसरी आईज पे ग्लिटर के साथ दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। सो मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का ग्लिटर यूज कर रही हूँ। आपके पास कोई भी ग्लिटर आईलाइनर हो आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो मैं शेड यूज कर रही हूँ आप वही शेड यूज करें। आप कोई सा भी शेड यूज कर सकते हैं, गोल्डन, पिंक, ग्रीन, ब्लू, जो भी है आपके पास वो आप यूज कर सकते हैं। सो मैं इसे भी अपने एक आईलाइनर ब्रश की हेल्प से लगा लूंगी अपने आईलाइनर के ऊपर, सेम ऐसे ही जैसे मैंने पहले लगाया है। हाँ, आपको ग्लिटर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, बट अगर आपके पास ग्लिटर नहीं है तो आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, मैंने तब आपको ये ऑप्शन दिया है आई शेडो का। सो मेरा आई मेकअप हो गया है कंप्लीट और मैंने सिर्फ दो चीजों का यूज करा है। सो मैंने अपनी दूसरी आई पे भी ग्लिटर वाला लगा लिया था ताकि दोनों आई लुक सेम लगे। आप लोगों को बताने के लिए मैंने वो अलग अलग आपको दिखाया था। सो या नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड अब हम करेंगे अपनी आईब्रोज फिल। सो आपके पास जो भी प्रोडक्ट है आईब्रो फिल करने के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। सो मैं अपनी आईब्रोज ज्यादातर आई शेडो से ही फिल करती हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती कोई भी आईब्रो प्रोडक्ट्स की, क्योंकि मुझे इतना लगता ही नहीं है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप फिल नहीं कर सकते। आपके पास जो है आप उसी से अपने आईब्रो फिल कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप मस्कारा से भी अपने आईब्रोज को फिल कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो मैं मास्क का ही पैलेट ले रही हूँ और उसमें से ये ब्राउन शेड को लेके अपनी आईब्रोज फिल करूंगी, बहुत ही हल्के हल्के। आप उससे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप किसी भी आई शेडो से फिल कर सकते हैं अपनी आईब्रोज। अपने आईब्रोज का कलर देख के आप अपनी आईब्रोज को फिल कर सकते हैं किसी भी आई शेडो से। सो या मैं जल्दी से अपनी आईब्रोज फिल कर लूंगी। सो सबसे पहले आपने अपनी आईब्रोज को कॉम करना है और आप पुली से कॉम कर सकते हैं। अगर आपके पास पुली नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं कोई भी मस्कारा का वॉन्ड, जो खत्म हो गया हो आपका मस्कारा आप उसका वॉन्ड लेके अपनी आईब्रोज को कॉम कर सकते हैं वॉश वगैरह करके, वो भी पुली जैसा होता है। सो आप उसे यूज में ला सकते हैं अगर आपके पास पुली नहीं है तो। तो मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूंगी, देन मैं एक एंगल ब्रश की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी और मैं बहुत ही हल्के हल्के फिल करूंगी अपनी आईब्रोज। थोड़ा प्रोडक्ट लेके अपनी आईब्रोज को फिल करूंगी, एकदम सारा प्रोडक्ट नहीं लेना होता है क्योंकि अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो आपकी आईब्रोज ज्यादा ही हैवी लगेंगी, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आपको आईब्रोज फिल नहीं करना आता तो आप मस्कारा लीजिए और जो भी एक्सेस है उसे रिमूव कर देना बॉटल में, देन जो मस्कारा है उसे अपनी आईब्रोज पे लगा लेना, जैसे हम पुली की हेल्प से कॉम करते हैं सेम वैसे ही, बहुत ही लाइट हैंड से आपकी आईब्रोज अच्छे से फिल हो जाएंगी। सो हमारी आईब्रोज भी हो गई हैं और आगे बढ़ते हैं, तो अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। सो मेरे पास आप लोगों के लिए मस्कारा के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा। अगर आपके पास कोई भी मस्कारा नहीं है तो आप ले सकते हैं ब्लू हेवन का मस्कारा, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अच्छा है। आपकी लैशेस को ये बहुत अच्छे से कोट करता है, लेंथ प्रोवाइड करता है, आपको फॉल लैशेस लगाने की भी जरूरत नहीं है अगर आप ये मस्कारा यूज करते हैं तो। और बहुत ही अफोर्डेबल है ये मस्कारा, आप देख ही सकते हैं मैंने इसे अप्लाई कर लिया है और मैं यहाँ पे कोई भी फॉल लैशेस नहीं लगाने वाली हूँ आज, क्योंकि इसने बहुत अच्छे से कोट करा है मेरी लैशेस को। सो या आप चाहे तो लैशेस लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहे तो, बट मुझे यहाँ पे कोई भी लैशेस नहीं लगानी, मेरा मस्कारा ने ही बहुत अच्छा काम करा है। सो या ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, मुझे बहुत पसंद है। सो या मैंने मस्कारा लगा लिया है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एंड और अब बात करते हैं हाइलाइटर की। सो मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ कर रही हूँ मास्क का ही पैलेट। सो उसमें से ये गोल्डन शेड को लूँगी
एज अ हाइलाइटर यूज़ करूँगी इसे, क्योंकि आप कोई भी शिमरी शेड को एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क करता है। सो अगर आपके पास हाइलाइटर नहीं है और आपके पास कोई भी आई शेडो पैलेट है, तो आप उसमें से कोई भी शिमरी शेड जैसे सिल्वर हो गया, गोल्डन हो गया, पिंक हो गया, ऐसे कलर्स को लेके हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं करने वाली हूँ आज। तो मैं ये वाला शेड लेके अपने फेस को हाईलाइट करूँगी। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सेम ब्रश जो मैंने पाउडर सेट करने के लिए लिया था। सो आप देख ही सकते हैं कितना लाइट हाईलाइट कर रहा है और कितना नेचुरल लग रहा है। सो मैं इसे लगा लूंगी और अच्छे से ब्लेंड भी करूंगी राउंडिंग मोशन में, आप देख ही सकते हैं ऐसे ब्लेंड भी करूंगी। सो मैं इसे अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी जल्दी से। सो हमारा हाईलाइटर भी हो गया है। सो इससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स एंड ब्राउ बोन को भी हाईलाइट करूंगी। सो हमने हाईलाइटर भी लगा लिया है अपने पूरे फेस पे। एंड अब आते हैं लिपस्टिक पे। तो आप कोई सी भी लिपस्टिक यूज कर सकते हैं इस मेकअप लुक के साथ, चाहे वो न्यूड हो या डार्क हो, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ NYB की लिक्विड लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड नंबर है 43 आई थिंक, मैं सही होंगी तो, वरना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक। सो अगर आप लिक्विड लिपस्टिक नहीं यूज़ करना चाहते तो आप एक बुलेट लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपको ऑप्शन दूंगी NYB का ही ऑप्शन दूंगी। जो मैंने ब्लश के लिए यूज़ करी थी वही वाली लिपस्टिक मैं आपको सजेस्ट करूंगी। बहुत ही प्यारा पिंक न्यूड शेड है, आप देख सकते हैं दोनों में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत अच्छा है। एंड आपको इनमें बहुत सारे शेड्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल भी हैं ये। अगर आपके पास ये लिपस्टिक्स नहीं है तो आप और भी कोई लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं इनके साथ, ये रेड भी चला जाएगा एंड ब्राउन भी चले जाएंगे और न्यूड शेड भी चले जाएंगे, आराम से सारे शेड्स चले जाएंगे इस लुक के साथ। बट मैं आज यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड NYB का। अगर आपके पास मैचिंग कोई ये वाला शेड है तो आप ये शेड यूज़ कर सकते हैं। सो मेरा मेकअप लुक हो गया है कम्प्लीट। तो अब बात करते हैं अपने हेयर की, जो मैंने ऐसे बांध रखे हैं। सो ये मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी वीडियो कि आप बिना हीट के कैसे अपने हेयर्स को कर्ल कर सकते हैं, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे अपने बालों को थोड़ा सा ही वेट किया था, देन स्कार्फ की हेल्प से इन्हें रोल कर लिया था। तो देखते हैं कि इस हैक ने वर्क करा है कि नहीं। अगर ये हैक काम करता है तो मैं ज़रूर आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ आगे। सो मैं जल्दी से अपने हेयर्स को ओपन कर लेती हूँ, देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो आप देख ही सकते हैं कितने अच्छे से कर्ल हुए हैं, और ज़्यादा कर्ल नहीं है, बहुत ही प्यारे कर्ल हुए हैं। एंड आई लव दिस हैक, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस हैक को, और मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं अपने हेयर। सो या आगे बढ़ते हैं। सो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं करा है तो, और कर दिया है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।